हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मामा ब्लूमिंग गार्डन। और आज मैं हिबिस्कस प्लांट केयर के बारे में आपसे बात करूंगी। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये कितने प्यारे फ्लावरिंग है। और ये कई सारे प्लांट नहीं है, ये केवल एकमात्र एक ही ये हिबिस्कस का प्लांट है जो आपके सामने है। और इसकी फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। और कोई मैं इसमें ख़ास केयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो केयर करनी पड़ती है। और ये गार्डन में लगा हुआ प्लांट है और आप देख सकते हैं गार्डन की आज सफाई हुई थी, तो मैंने सोचा इसके प्लांट केयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। और इसमें बहुत बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इसके मेरे पास 5 प्लांट हैं और काफ़ी बड़े बड़े इसी टाइप से हैं, और सारे में ऐसी ही फ्लावरिंग होती है। और भर भर के इतने फ्लावर होते हैं कि मैं इनको तोड़ती भी नहीं हूँ, और सारे ये ज़मीन पर फैल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे इसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी सफाई हुई है तो ये इसमें हटाए भी गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी जो कल के गिरे हुए प्लांट के फ्लावर हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। और बहुत सारे गिर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देती भी हूँ कि आप तोड़ ले जाओ, और तोड़ ले जाते हैं बहुत लोग, लेकिन इसकी फ्लावरिंग कम नहीं होती है। और ये ऑल सीज़न इसी टाइप से फ्लावरिंग करता है। और अब आप सोचेंगे कि ये क्या मैं इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्या मैं इसमें डालती हूँ जिससे इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। पहली बात तो इस गुड़हल की प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि ऑल सीज़न ये फ्लावरिंग करता है। अच्छी वाले गुड़हल होते हैं उसमें फ्लावरिंग कुछ महीनों के लिए बंद हो जाती है, लेकिन ये ऑल सीज़न फ्लावरिंग करता रहता है। ये इस टाइप का देशी और हाइब्रिड मिक्स है कोई, और उन्होंने बैंगलोर करके मुझे ये प्लांट दिया हुआ था। और इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। और एक प्लांट से मैंने इसके 5-6 प्लांट मैंने ग्राउंड में लगा लिए बनाकर, और इसकी कटिंग लग जाने से बहुत जल्दी कटिंग भी इसकी लग जाती है, फ्लावरिंग भी करने लगती है। और छोटा ही प्लांट होता है तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग भी करने लगता है। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ, पहले ये टूट गया था प्लांट, यहाँ से टेढ़ा हो गया था, और फिर इसमें कैसे सपोर्ट से इसको ठीक करके फिर ये फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है। इसमें लीव्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, और इसमें ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा आती हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी घना प्लांट है ये, और इसमें ब्रांच भी बहुत अच्छी आती है जिससे इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। और ये बहुत ही चारों तरफ से इसमें फूलों से भरा हुआ ये है, और गार्डन में तो ये शोभा देता है क्योंकि इसमें फूल ही फूल हो निकलते हैं। और ये है देशी वैरायटी का आपके सामने। इसके फ्लावरिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है जो देशी है, लेकिन इसके फ्लावर का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है आप देख सकते हैं, और हल्के फ्लावर होते हैं। और लेकिन ये जो थिक फ्लावर की लिप्स होती हैं इसकी, और काफ़ी अच्छे ये देशी है, और इसमें फ्लावरिंग भी कम नहीं हो रही है। लेकिन प्लांट को केयर करना पड़ता है, प्लांट की केयर करना पड़ता है जो कि आपके सामने है। मैं इसके केयर फर्टिलाइज़र के बारे में आपसे बात करूँगी। काउडक कंपोस्ट मैं इसमें देती हूँ, लेकिन नीम की कली होती है जो, और नीम की लिप्स होती हैं उनसे बना हुआ खाद और काउडक कंपोस्ट को मिक्स करके मैं इसमें डलवाती हूँ। हिबिस्कस प्लांट में वैसे कोई ज़्यादा रोग इसमें लगता नहीं है, लेकिन हाँ अगर ज़मीन में लगा है तो इसमें कोई ज़्यादा रोग नहीं लगता, लेकिन चींटियाँ होने लगती हैं। उसके फंगस के लिए आप इसमें नीम खली में मिक्स करके काउडक कंपोस्ट का आप इसमें डाल सकते हैं। और साल में 2 बार मैं इसमें फर्टिलाइज़र काउडक कंपोस्ट का मैं करवाती हूँ, और बाकी मैं इसमें DAP का खाद देती हूँ, और साथ में इसमें नीम खली, जो नीम की बीजें निकलते हैं और पत्तियाँ होती हैं उनको मिक्स करके मैं बनवाती हूँ खाद, वो घर की बनी खाद, और नीम की पत्तियों से बना हुआ खाद मैं इसमें डालती हूँ। और बस वही काउडक कंपोस्ट और लीप्स कंपोस्ट साथ में नीम की पत्तियों से बनी हुई कंपोस्ट को मैं इसमें मिक्स करके वही इसकी जड़ों में मैं डलवाती हूँ। साथ में कोई भी मैं स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ। जब इसमें मिलीबग्स वगैरह लग जाते हैं तो इसकी ब्रांच को मैं थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग कराने के बाद इसमें वाटरिंग से स्प्रे करा देती हूँ, सिंपल रबड़ के वाटर से और टैब वाटर को, और इससे वो साफ साफ हो जाती, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, और एक नहीं है 10-12 प्लांट इस टाइप से हैं मेरे पास, जिसको मैं अगर इसमें स्प्रे करूँगी तो सारा टाइम मेरा इसी में लग जाता है, और ज़्यादा इसकी केयर मुझसे हो नहीं पाती है। लेकिन हाँ, इसे सिंपल सी केयर में ही ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है, और क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है। और गमले में हाइब्रिड गुड़हल को मैंने लगा रखा है, उसकी प्लांट केयर के बारे में अलग से मैं टिप्स शेयर करूँगी आपसे। लेकिन ये देशी गुड़हल है और इसमें फ्लावर भरा हुआ है, और आज मैंने इसके फ्लावर अभी तोड़े नहीं हैं, लेकिन कल ब्रांचेस इसकी काटी गई हैं, इसलिए
थोड़ा प्रूनिंग में इसके फ्लावर कम हो गए हैं। और एक प्लांट मेरे पास ये भी है और आप देख सकते हैं ये भी हिबिस्कस का प्लांट है, नीचे से इसकी प्रूनिंग कर दी गई है और इसमें खाद वगैरह डाली गई है। काउडा कंपोस्ट आप देख सकते होंगे कि आपको दिख रही होगी, लेकिन ज़मीन में उन्होंने सफाई में इसको मिक्स कर दिया है मिट्टी के। आप घर की बनी हुई खाद अगर आप किचन वेस्ट से बनाते हैं या आप नीम की पत्तियों से बनाते हैं और चाहे लीफ से आप बनाते हैं तो आप उस वही आप डाल सकते हैं। और DAP अगर बाज़ार से आप मंगा सकते हैं तो आप DAP भी इसमें डाल सकते हैं। और गार्डन का एक व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। आज गार्डन की सफाई हुई है और ये आप देख सकते हैं फाइकस के कितने बड़े बड़े से प्लांट मेरे पास लगे हैं और फाइकस के 20 प्लांट्स मेरे पास हैं और हर टाइप का फाइकस भी मेरे गार्डन में लगा हुआ है। और किसी टाइम मैं आपसे फाइकस प्लांट केयर भी शेयर करूँगी, किस टाइप से मैं इनकी केयर करती हूँ और क्या होता है गार्डन में, क्या डालना चाहिए। फाइकस में जो इसकी लीव्स काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करती है। और गार्डन में आप देख सकते हैं गुलदावरी भी मेरे पास बहुत सारी लगी हुई है पिछले साल की, जिनकी साफ़ सफाई का काम चल रहा था। और इनकी खाद क्या डालती हूँ और इनके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाकर शेयर करूँगी आपसे। और कल ही सफाई हुई गार्डन की और इतना बड़ा इसका चांदनी का प्लांट है, बहुत उससे फ्लावरिंग होती है और कैसे ज़मीन में बिखरे पड़े हुए हैं फ्लावर आप देख सकते हैं। गुलदावरी के कितने सारे प्लांट हैं और इनका प्लांट केयर जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होगी बर्ड्स बनना मैं आपसे शेयर करूँगी। और गुलदावरी में कौन सी मैंने खाद डलवाई है और कैसे इनकी केयर करती हूँ, किस टाइप से इनकी प्रूनिंग करी। और गुलदावरी में फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है और इसकी खाद डालने का काम और इसकी प्रूनिंग का काम मैंने अभी करवाया है। आई होप आपको गार्डन व्यू अच्छा लगा होगा, जिनकी साफ़ सफाई का काम अभी चल रहा है। और बहुत जल्द मैं गार्डन में और भी प्लांट से आपको मिलवाने वाली हूँ। और कुछ इस तरह से गार्डन का ओवरव्यू आप देख सकते हैं। और हिबिस्कस प्लांट केयर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल वामा ब्लूमिंग गार्डन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।